हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम आपका संविधान को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी आप सभी सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी विषय को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सीजीपीएससी प्री में अगर हम आपका देखें तो सिलेबस तो एक ही लाइन में लिख दिया आपका, भारत का संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था। तो दूसरा, अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो हमें परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें आपका क्या करना चाहिए कि पिछले वर्ष में जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उनको जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप बाहर निकालिए, एक कॉपी में लिखें और उसका एकदम माइक्रो एनालिसिस करना चाहिए आप सभी को। और माइक्रो एनालिसिस करने के बाद हमें समझना चाहिए कि कैसा ट्रेंड रहा है पूछने का कोई भी विषय को। और जनरली हम आपका क्या करते हैं कि पढ़ने, जब भी हम कोई विषय की तैयारी करते हैं कोई मोटी सी बुक ले आते हैं और बस बुक को पढ़ ही रहे हैं, ये पता ही नहीं कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहा है। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और तैयारी करना मतलब यहाँ पर आपको स्मार्ट, आपको क्या करना है, आपका प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट आपको लर्निंग करना है। तो स्मार्ट लर्निंग कैसे करेंगे आप लोग, कि सबसे पहले हम आपको ये देखना होगा कि जितने भी प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको आप पहले कॉपी में लिखें। तो कॉपी में लिखेंगे तो आप जो कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा कर दिया हूँ। मैं प्रयास करूँगा आप लोग को समझाने का कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ने, क्योंकि संविधान इतना बड़ा विषय है और इतना डेप्थ है कि उसमें आप जितना ज़्यादा गहराई पर उतरते जाएंगे उतने गहराई पर जाते जाएंगे और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम समय में अगर आप 10 से 12 दिन में अगर संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप मैक्सिमम मतलब आप 10 प्रश्न यदि आते हैं एवरेज तो 10 में से 8 प्रश्न आप कंफर्टेबली बना लें, 10 में से 8। दो प्रश्न वैसे भी किसी से बनता नहीं, या बनेगा तो आपका क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत गलत होने के चांसेस भी होते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज है वही आपका पूरा में पूरा बना सकता है, नहीं तो आपके जो एक आम स्टूडेंट्स होता है, जो एक सामान्य तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, आपका 8 प्रश्न अगर आप बनाते तो बहुत अच्छी स्थिति पर हैं आप, 7 से 8 प्रश्न बनाते तो भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो चलिए फिर हम आपका देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 2012 से लेकर पूरा 2019 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया। मैंने पूरा प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि अगर प्रश्न लिखूंगा तो एक ही बार में बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उन सबको हम आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले देखेंगे, समझेंगे कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं और किस एरिया से आ रहे हैं, और फिर हमें आप पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 2012 में, तो 2012 के यदि प्रश्नों को देखें तो यहाँ से आया आपका संविधान संशोधन से एक प्रश्न आया है, ठीक है ना। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखेंगे 2012-19 तक तो 1-2 साल ही गैप हुआ है संविधान संशोधन से प्रश्न नहीं आया है, हर साल संविधान संशोधन से प्रश्न आता है, क्योंकि एक तो करेंट का टॉपिक हो जाता है आपका, ठीक है ना, और दूसरी बात आपका संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे बहुत सारी आपके जानकारी रहती है, संविधान के एक पार्टी है तो उसको देखेंगे। तो संविधान संशोधन मैंने नहीं लिखा ना आपको, अभी समझना आपको कहाँ कहाँ टॉपिक से प्रश्न है। तो संविधान संशोधन से एक प्रश्न बना है, फिर हम आपका देखेंगे आपका यहाँ पर नागरिकता से एक प्रश्न बना हुआ है, तो नागरिकता हमें लगना चाहिए कि हाँ नागरिकता पढ़ सकते हैं, इस बार देखेंगे क्या पढ़ना चाहिए उसे भी देखेंगे। फिर राष्ट्रपति से एक प्रश्न आया है और राष्ट्रपति में प्रश्न आया है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, ये प्रश्न बहुत कॉमन होता है कि कौन किसको त्यागपत्र लेगा, कौन किसे शपथ दिलाएगा, कौन किससे शपथ ग्रहण करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति संबंधी देखो एक प्रश्न है उसके त्यागपत्र से आया, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी आपका प्रश्न है, तो उपराष्ट्रपति का जब आपका निर्वाचन में जब कोई विवाद हो जाता है तो उसका आपका निपटारा कौन करेगा, ये हम पढ़ेंगे आगे आप लोग। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से देखिए प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर हम आपका देखेंगे उपराष्ट्रपति हमको समझ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से समझ आ रहा है, निर्वाचन विवाद से समझ आ रहा है, मतलब वहाँ हमको देखना है उस एरिया पे। मंत्रियों के आपका वेतन भत्ते को निर्धारित कौन करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर हम आपका देखेंगे मंत्रिपरिषद को और उसके साथ साथ उनको निर्धारण करने वाली संस्था है आपका संसद, तो उनसे भी पढ़ेंगे तो उनको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप हमारे लिए आपका। तो मंत्री और वेतन भत्ते क्या इस समय हो सकता है आपका, क्या क्वेश्चन उसको भी देखना है, करेंट में क्या चल रहा है, क्या मंत्रियों आपका सांसद का वेतन में वृद्धि हुआ है,
या फिर उनके उनको जो भी आपके जो एक्स्ट्रा आपको भत्ते दिए जा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार में भी बढ़ाया है ना कुछ आपका रकम, उसको हम आपका देखेंगे। तो वहाँ से प्रश्न, राज्यपाल की शक्ति से प्रश्न आया है आपका। दसवीं अनुसूची देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना दसवीं अनुसूची, कई बार पूछा गया है। इसमें तो सामान्य प्रश्न आया गया था कि दल बदल निरोध आपका किस अनुसूची में आपका उसका प्रावधान है, तो दसवीं अनुसूची में, सिंपल सा प्रश्न था। लेकिन हम 2019 में देखेंगे, उससे दो दो प्रश्न आए हुए हैं ना, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। लोक लेखा समिति, तो देखिए संसद की कार्यवाही जब संसद कार्य करती है तो समितियों के माध्यम से करती है, तो यहां संसद से एक प्रश्न बना हुआ है, तो संसद से देखेंगे। हर साल संसद से प्रश्न आता है, ऐसा कोई भी साल एकाध साल मिस हो गया होगा, लेकिन हर साल संसद से प्रश्न आएगा, और सबसे ज्यादा संसद से उसकी संसद की कार्यवाही से प्रश्न आता है, तो उसको देखेंगे हम आपका। अभी हम एरिया पहले पढ़ लेते हैं ना, पूरा सबको रीड करेंगे, उसके बाद पूरा निचोड़ निकालेंगे उसका, पूरा उसको समराइज करके एक जगह ला कर रखेंगे। अभी मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर सबको एक जगह मैं ला कर दिखाऊंगा। फिर आपका लोक लेखा समिति इस प्रश्न है, मूल अधिकार से भी प्रश्न आया है, ये पूछा गया था कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है, तो डेफिनेटली कौन होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन अब हम आपका देखेंगे मूल अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आपका क्या आपका रिलेशन है, उनको देखेंगे, रिट को देखेंगे, पूरा मूल अधिकार को अच्छे से देखेंगे, क्लियर। तो 2012 में इस तरह से प्रश्न पूछे गए। फिर 2012 में राज्यसभा सदस्य मतलब संसद से फिर एक प्रश्न आया है, मतलब आपके राज्यसभा के वे कौन से सदस्य जो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, ये सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था, मतलब ये संसद से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम आपका देखेंगे। विधान परिषद को पूछा गया है आपका, तो विधान परिषद भी अगर हम आपका देखें तो वो भी विधायिका का ही पार्ट है, मतलब केंद्र में संसद, और मतलब केंद्र में जैसे संसद के अंदर राज्यसभा वैसी राज्यों में विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद को भी देखेंगे, मतलब ये भी संसद के अंतर्गत आएगा। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब ये पूछा गया है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति होती है, तो हम आपका देखेंगे नियुक्ति किसकी होती है, तो प्रधानमंत्री सामान्य रूप में देखें तो आपका लगता है कि निर्वाचन हो रहा है, लेकिन उनकी निर्वाचन नहीं, क्या होता है नियुक्ति, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, नियुक्ति हो गया है आपका, या फिर त्याग पत्र हटाना उनको, ये सब चीज़ों को हम आपका देखेंगे, ये प्रश्न सिंपल बनते ही हर साल। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मूल अधिकार से फिर प्रश्न आया है आपका, मैं यहाँ पर टॉपिक्स को नहीं लिखा हूँ, लेकिन मूल अधिकार से संबंधित बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया था। फिर अगेन आपका देखो नागरिकता से प्रश्न आया, 2012 में भी नागरिकता से प्रश्न आया, यहाँ पर भी नागरिकता से, प्रस्तावना से प्रश्न आया था, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा, ये पहले प्रश्न बनते थे, थोड़ा परंपरागत थे, लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न आ नहीं रहे, तो प्रस्तावना से जन्म कुंडली तो आपका के एम मुंशी ने कहा है, उसको भी देखेंगे। महान्यायवादी से प्रश्न आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, अदर आप एग्जाम में भी देखें तो महान्यायवादी से प्रश्न पूछा ही जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनता है ना, इसमें भले बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एकाध प्रश्न यहां से बनता है, आर्टिकल नंबर 76 में इसको पढ़ेंगे, और संसद की कार्यवाही भी हम महान्यायवादी को आपका पढ़ेंगे, क्लियर है। फिर आप देखेंगे आपका 2014 में कैसे कैसे प्रश्न आए, फिर आपके देखो विधान परिषद, तो विधान परिषद से संबंधित आपके बारे में पूरा प्रावधान पूछा गया था कि विधानसभा के जो विधानसभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, वो सब पूछा गया था, और बहुत एक टाइम पर आपका हॉट टॉपिक हो गया, क्योंकि PSC के और भी एग्जाम में विधान परिषद से बहुत प्रश्न आ रहे थे, तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन से प्रश्न आया था, और संविधान संशोधन में जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न आया था कि ये संविधान संशोधन है और उसके प्रावधान ये दिए थे, आपको जोड़ी मिलाना था कि कौन सा संविधान संशोधन किस में हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, उस समय बहुत लोग इसको आपका अटेम्प्ट नहीं, आप भी देखेंगे तो आपको भी थोड़ा हड़बड़ाहट लगेगा, क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो गया था, क्योंकि आपके बहुत आपके पुराने संविधान संशोधन को ही पूछ दिया गया जो पॉपुलर नहीं है आपके। फिर आपका भाग एक से फिर प्रश्न आया है, नया राज्य बनाने की प्रक्रिया, राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना राज्य वाला पार्ट। देखो यहाँ पर भी अनुच्छेद 3 से प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर अनुच्छेद 3 2019 से भी प्रश्न पूछा गया है, एक और जगह पूछा, तीन बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो भाग एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार भाग एक से प्रश्न आ ही रहे हैं, मतलब राज्य को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लियर है ना। उसके बाद हम आपका देखेंगे लोकसभा सीट को पूछा गया था जोड़ी मिलाने, तो ये बहुत कॉमन प्रश्न बनता है ना आपका, तो लोकसभा सीट, राज्य विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सब आपको पता होना चाहिए सभी राज्यों के, जैसे छत्तीसगढ़ में हम सामान्य जाते हैं जहाँ विधानसभा का सीट कितना हमारे यहाँ 90 टोटल किया जाए तो एक मनोनीत को 91 हो जाता है, लेकिन हमारे अभी 90, क्लियर है ना। तो वैसी वैसी सभी राज्यों को आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, कोई टफ नहीं, बहुत ईजी, वो याद हो जाता है, क्लियर। फिर राष्ट्रपति की आपकी स्वविवेक की शक्ति, देखो फिर आ गया राष्ट्रपति की शक्ति, और कौन सी शक्ति पूछ दिया है, स्वविवेक की शक्ति, एक दो बार और पूछा गया, अभी हम आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा आपका। देखो आपका
कहीं पूछा है, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के आपका सौवेक की शक्ति पूछा, मतलब फिर राष्ट्रपति से पढ़ना है। फिर तारांकित प्रश्न पूछा गया, मतलब संसद से पढ़ना है। संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न कौन से होते हैं, लिखित प्रश्न कौन से होते हैं, उसमें तारांकित अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, कौन किससे क्वेश्चन करता है, ये सब चीज हमको पढ़ना है। तो ये आपको देखो बढ़िया से प्रश्न पूछा था, इसको पढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल और आपका जोड़ी, कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए अभी तक, तो हमें आपका कितने राष्ट्रपति हुए उनको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन कौन से उनके कार्यकाल, दो ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमको बहुत अच्छे से जानना है। फिर हम आपका देखेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, तो प्रधानमंत्री ने शपथ कब लिया था, ये करंट से क्वेश्चन पूछ दिया था ना, तो अभी करंट में जो भी अगर हमारा चल रहा है उसको भी देखेंगे, तो करंट से प्रश्न आया था। और एक संवैधानिक विकास से एक प्रश्न पूछा था 1773 का, इसमें पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो जो भी ऑप्शन था उनमें से चारों ऑप्शन नहीं था, इनमें से कोई नहीं उसका आंसर था, ठीक है ना। तो इसको भी हमको ध्यान देना, संवैधानिक विकास एक प्रश्न आया यहां से, क्लियर अभी देखेंगे। फिर हम 2015 में देखते हैं, तो वित्त आयोग को प्रश्न पूछा गया था कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो एक संवैधानिक संस्था है। मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था ना कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न बन ही रहे हैं आपके, क्लियर है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्ट, कि कौन कौन से संवैधानिक संस्था है, कौन कौन से आपके गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद हम आपका देखेंगे राज्यपाल, आपका प्रश्न आया है राज्यपाल से उनकी विधेयक से संबंधित, मतलब राज्यपाल की शक्ति से प्रश्न आया है, राज्यपाल कौन से विधेयक को आपका राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, वो किस आर्टिकल में है, ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राष्ट्रपति हमें पढ़ना ही है, हर साल प्रश्न बनते हैं। उसके बाद संघात्मक एकात्मक तत्व आ गया था, तो आपका विशेषताओं में आ जाएगा, हम अलग से पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे ना, ठीक। तो संविधान की विशेषताओं को जब पढ़ेंगे तो उसमें संघात्मक एकात्मक संसदीय लिखित संविधान ये सब चीज़ों को हम आपको वहाँ पर डिटेल से देखेंगे, ताकि यहाँ से प्रश्न भी बन रहे हैं आपके। पीएससी हर साल यहाँ से प्रश्न पूछ ही लेता है, कल साल के गैप में तो पूछ ही रहा है। फिर राष्ट्रपति आपका मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा, प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, आर्टिकल देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 74, तो उनको भी हम अच्छे से करेंगे, मतलब राज्यपाल से भी प्रश्न आ रहे हैं, राष्ट्रपति से भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर राष्ट्रपति की शक्ति पूछ दिया गया था, वीटो पावर को पूछ दिया गया था कि किसने वीटो पावर का यूज़ किया है फर्स्ट टाइम, क्लियर है, मतलब वीटो पावर में आपका मे बी आपका इस समय ज्ञानी जयल सिंह को पूछा गया था, जेबी पॉकेट वीटो को पूछा था, तो वीटो पावर को पूछा, मतलब शक्ति से भी प्रश्न आ रहा है राष्ट्रपति से, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, देखो दो दो प्रश्न राष्ट्रपति से बने, राज्यपाल से बन रहे हैं, मतलब विधेयक और संसद की कार्यवाही से भी प्रश्न बनेगा। त्याग पत्र कौन किसे देता है, ये प्रश्न भी पॉपुलर है, मैं पहले ही बताया, एक बार और पूछा जा चुका है, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन किसको त्याग पत्र देता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको हटाता है, संविधान में किसका किसका कहां कहां प्रावधान है, संवैधानिक पद को हटाने के लिए क्या प्रावधान है, और आपके जो या फिर जो गैर संवैधानिक पद है उनको आपको हटाने के क्या प्रावधान है, उनको दिमाग में रखना है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया ना गैर संवैधानिक और संवैधानिक क्या होता है, ये दिमाग में रखना है, और असंवैधानिक बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। तो असंवैधानिक का तो प्रयोग ही नहीं करना है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट का तो सुनते होंगे, ठीक है ना, मतलब उन्होंने जो डिसीजन देते हैं तो उसमें कहते हैं असंवैधानिक, मतलब संविधान सम्मति, मतलब उसको हटाना रहता है, ठीक है ना। चलिए फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न बनता ही है। लोकसभा अध्यक्ष की एक तो आपको उनकी शक्तियों के बारे में पूछा जाता है, उनसे संबंधित आपके कौन कौन से प्रावधान हैं हमारे संविधान में, और उनके शपथ से तो और आप सबसे ज़्यादा प्रश्न उनके शपथ से बनता है आपका, क्योंकि एकमात्र अगर ऐसा पद है जो संवैधानिक पद है जो अपनी पद की शपथ नहीं लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ही है, इसको मिस नहीं करना है, क्लियर है ना। तो एक संवैधानिक पद में इनको देखेंगे। फिर एक बार न्यायपालिका की शक्ति पूछ दिया गया था 2015 में, बहुत सरल सा था, टफ नहीं, तो न्यायपालिका देखो एक बार आ गया। फिर अनुच्छेद 370 पूछ दिया गया है, तो ये आपका विविध में आ सकता है ना, मिसलेनियस में अगर हम इसको देखें तो आ सकता है, ऐसे प्रश्न एक आध दो बार आते हैं, लेकिन बहुत इजी है। उस समय करंट में हम आपका देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा मसला चल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपका केंद्र में आई थी और ये बात चल रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर को आपका जो 370 का जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, 370 के तहत जो जोड़ा गया है उसको आपका हटाने का प्रयास, मतलब अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए उन्होंने आपका चुनावी आपका वादा किया था, तो इस वजह से प्रश्न बना था। तो अनुच्छेद 370 कैसा प्रावधान है, स्थाई अस्थाई, ये बहुत ईजी प्रश्न था, इसको हम आपका पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक, ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। 2016 में कैसे प्रश्न आया था, तो लोकसभा अध्यक्ष से देखिए फिर प्रश्न पूछा है और आपका पद की शपथ पूछ लिया, यहाँ पर भी लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न है, फिर लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न आ गया, फिर लोक सेवा आयोग से प्रश्न आया है,
थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था लोक सेवा आयोग से, ऐसे प्रश्नों को अगर आप टच नहीं करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसमें पूछा था आपका कि कौन से अनुच्छेद में आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद को धारण करता है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपके लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद 311 को पूछा गया, पढ़ेंगे हालांकि हम लोग उसको आपका, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों को एकदम से नहीं पढ़ने जहां एकदम अचानक से कोई प्रश्न आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, देखो फिर आगे राष्ट्रपति महोदय आ गए हमारे, फिर राष्ट्रपति की शक्ति, देखो हर बार राष्ट्रपति से प्रश्न आ रहे हैं। फिर मूल अधिकार से देखो प्रश्न आ गए, मूल अधिकार में रिट से प्रश्न है, जोड़ी मिलाने का प्रश्न है। संसदीय प्रक्रिया से फिर प्रश्न आ गया, विधेयक को पूछा गया आपका, जो हमारे कुछ प्रमुख विधेयक होते हैं संसद को काम करने के लिए, चाहे वो आपका धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, समान विधेयक हो आपका, चाहे उस संविधान संशोधन विधेयक, तो विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विधेयक को पढ़ना ही है। फिर राष्ट्रपति संबंधी चुनाव का विवाद हो जाए तो इससे भी प्रश्न आपका फिर पूछा है। देखो यहां पर हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान को देखा, तो फिर आपके राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी हम आपका आगे आर्टिकल में देखेंगे। तो राष्ट्रपति देखो फिर दो दो प्रश्न है राष्ट्रपति से, संसद से प्रश्न है, फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न है, फिर आगे देखो संसद से लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, मतलब कौन सा ऐसा लोकसभा का कार्यकाल था जो 5 वर्ष की बजाय कितने वर्ष का था आपका, 6 वर्ष। सामान्य हम आपका देखें संविधान में कितने वर्ष का लिखा है, 5 वर्ष का, लेकिन एक बार क्या हो गया, 6 वर्ष। तो क्यों हुआ 6 वर्ष, वो प्रश्न था, और कौन सा वाला था ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपातकाल से क्या है आपका संबंधित। तो फिर लोकसभा आ गया, फिर आपका राष्ट्रपति आ रहे हैं, फिर राज्यपाल आ रहे हैं, फिर मूल अधिकार, क्लियर हो रहा है दिमाग पे अब हमें कैसे प्रश्न ट्रेंड बन रहे हैं, थोड़ा करंट से भी जा रहे हैं उन लोग, करंट को जोड़ कर पूछ रहे हैं, और फिर आपका देखो कहाँ कहाँ टच हो रहा है। अब आ जाइए फिर 2017 में आपका संवैधानिक विकास से प्रश्न है, और कौन से संवैधानिक विकास को पूछा है, 1813 का आपका चार्टर एक्ट को पूछा था, ठीक। ये बहुत विवादित प्रश्न था आपका, क्योंकि आपका ये पूछा था कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1313 दोनों कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर आपका 13 लिया गया था, मे भी शायद बाद में विलोपित, मैं भी 13 लिया था आंसर, ठीक है ना, इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका संवैधानिक विकास, फिर मूल अधिकार से आपका प्रश्न आया है आपका, तो मूल अधिकार के प्रश्न को फिर हम देखेंगे। देखो फिर मूल अधिकार को मैं अलग से बताऊंगा ना यहाँ पे, उसके प्रश्नों को नहीं लिखा हूँ, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न है तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ वहाँ पर। तो आपका मूल अधिकार, फिर देखो संविधान संशोधन से फिर प्रश्न पूछा है आपका, प्रक्रिया को पूछा था संविधान संशोधन की। राष्ट्रपति की शक्ति, देखो स्वविवेक शक्ति, अभी हमने देखा था राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति, देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका प्रश्न करता है राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब उसकी शक्ति, लेकिन उसकी स्वविवेक शक्ति कुछ भी नहीं रहती, कुछ ही शक्ति उनके स्वविवेक की शक्ति हैं, जितनी सारी शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं उनमें से कुछ ही शक्ति स्वविवेक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, कौन कौन से उनके स्वविवेक है, कौन कौन से सलाह पर काम करती है। तो फिर आपका देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, फिर देखो संसदीय प्रक्रिया से फिर प्रश्न पूछा है, तो संसदीय प्रक्रिया से प्रश्न, आपातकाल से देखिए फिर प्रश्न पूछा है कि आपातकाल के प्रावधानों को बहुत डिटेल से पूछ दिया गया था कि आपातकाल में क्या क्या घटनाएं या फिर कौन कौन सी चीजें होंगी, तो आपको उनमें से कूट बनाकर आपको सही लेना था, थोड़ा सा आपातकाल में डिटेल गया है। फिर पद की शपथ फिर किसका आ गया, लोकसभा अध्यक्ष, देखो लोकसभा अध्यक्ष 17 में पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष 16 में पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष 2015 में पूछा, लगातार 3 वर्षों तक लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न आए हैं, 2 साल अभी बीच में गैप था, 20 में आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको समझना है ना कि आप कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब हम आपका देखेंगे, तो 2017 आपको समझ आया, तो संवैधानिक विकास से केवल एक प्रश्न, और कहाँ आया था संवैधानिक विकास से, 2014 के बाद सीधा 2017, 3 साल का गैप, तो 2020 में क्या बन सकता है कि संवैधानिक विकास से, पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉसिबल है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी हम लोग, क्लियर है ना उसको भी। उसके बाद हम आपका देखेंगे निर्वाचन आयोग, तो फिर निर्वाचन आयोग से डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा था कि जो आपका वोट डालने का जो अधिकार है, जो आपका वयस्क मताधिकार है, इसको पढ़ेंगे। देख राइट्स, हम देखेंगे राइट्स बहुत सारे होते हैं ना, अधिकार बहुत सारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को कैटेगराइज करेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार होते हैं, कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, कौन से संवैधानिक अधिकार होते हैं, कौन से सामान्य अधिकार होते हैं। तो ये अधिकारों से भी बहुत कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं, जो हमारे आपका कौन सा अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार आर्टिकल नंबर 326, वयस्क मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार से प्रश्न, डायरेक्ट अनुच्छेद से प्रश्न आया था। मूल अधिकार से फिर प्रश्न पूछा था अनुच्छेद 14, डायरेक्ट अनुच्छेद 14 को हिट किया था, डायरेक्ट अनुच्छेद 14 को पूछा गया था कि आपका
समान कानून, मतलब आपका एक समान कानून या कानून के समक्ष समान संरक्षण किस आपके अनुच्छेद में, ये प्रश्न पूछा गया था, तो अनुच्छेद 14 से डायरेक्ट प्रश्न है। फिर अनुसूची 8 से आपका प्रश्न पूछा गया था, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन आपका 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए थे उस समय भी आपका, उनको समझ नहीं आया कि उसका आंसर क्या लें, क्लियर। हालांकि इजी प्रश्न था, फिर भी जब आप 22 भाषाओं को यदि आप अच्छे से नहीं जान रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, राजस्थानी क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान भाषा राजस्थानी जो है, क्लियर। क्या अवधी शामिल है, क्या भोजपुरी शामिल है, क्लियर है। क्या आपका आपका बघेली शामिल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारी भाषाएं ऐसी हैं जो लगता तो है शामिल होंगी लेकिन शामिल नहीं है। वही अगर मैं पूछ दूं आपका डोंगरी शामिल है क्या, मैथिली शामिल है क्या, ठीक, बोडो शामिल है क्या, तो इनको आप लोगों को देखना है अच्छे से, और कौन कौन से राज्य संबंधित है, कौन कौन से जनजाति संबंधित है, और उस सबका कारण भी क्या है उसको भी देखेंगे। तो अनुसूची 8, तो अनुसूची से फिर एक प्रश्न बना है, अनुसूची 10 से प्रश्न बना है, अनुसूची 8 से प्रश्न बना है, क्लियर। फिर संसदीय प्रक्रिया देखो, फिर आ गया संसदीय प्रक्रिया और विधेयक से प्रश्न पूछा, फिर आ गया विधेयक। देखो यहाँ पर भी विधेयक हर जगह देखेंगे आप, जहाँ भी संसद है मतलब विधेयक से प्रश्न आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विधेयक, पढ़ेंगे प्रस्ताव क्या होता है, विधेयक क्या होता है, सबको देखेंगे, जहां जहां इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं उनको हम हिट करेंगे बहुत ज्यादा। फिर राष्ट्रपति की शक्तियां, कौन सी शक्तियां पूछी, उनकी विधायी शक्तियां, तो राष्ट्रपति को हम आपका देखें तो आपका कुल 8 होता है जिसमें मुख्य रूप से 7 ही उनकी शक्तियां होती, उनमें एक शक्ति विधायी और यही सबसे बड़ी उनकी शक्तियां होती, सबसे ज्यादा इसी में आपका प्रावधान है, तो उनकी विधायी शक्तियों को पूछा गया था, बहुत आपका लंबा चौड़ा पूछा गया था, कोर्ट में पूछ दिया गया था, तो विधायी शक्तियों को देखना है। फिर आपकी फिर राष्ट्रपति की शक्तियां देखो, अगला प्रश्न फिर राष्ट्रपति की शक्ति से है, संयुक्त अधिवेशन से प्रश्न है जिसमें संसद से भी संबंधित है, तो संसद और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 में हम आपका देखेंगे, आपका ज्वाइंट सेशन को देखेंगे, तो मतलब यहां से भी देखो कितना बढ़िया सा आपका प्रश्न पूछ रहा है, क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोग को कैसे देखना इसको। फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे आपका 2019 में अभी आपका करंट जो आपका फरवरी में हुआ था ना, आपका इसी साल फरवरी में कब हुआ था, 2020, तो एक साल पीछे चलता ना पीएससी, इस साल का है आपका। आप देखो इस साल सबसे ज्यादा प्रश्न संविधान से बना था, कुल 12 प्रश्न आ गए थे इस बार, और मैंने आपको पहली पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो 12 प्रश्न है उनमें से आपके जो 5 क्वेश्चन ऐसे थे आपके काफ़ी कंफ्यूज कर दिए थे, मतलब 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, 7 प्रश्न तो बहुत सामान्य आए थे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसा प्रश्न हुआ था आया था आपका, तो प्रस्तावना से प्रश्न आया है और ये प्रश्न अभी आपका क्या है, विवादित, इसको हम आपका पढ़ाएंगे अच्छे से क्या है कैसा है, तो हम विवादित प्रश्न है तो इसलिए मैं इसमें फिर डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आगे जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तब उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। तो प्रस्तावना में देखेंगे आपका थोड़ा विवादित प्रश्न, कथन कारण आया था आपका, एक आपका स्टेटमेंट दिया था और आपका एक संविधान संशोधन को दे दिया था 42वें संविधान संशोधन को, और वहां से आपको बनाना था, क्लियर है ना, तो विवादित है उसको देखेंगे। और हम आपका फिर आपका देखो, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि आपको संविधान को त्रिपार्ट बांट कर देखना, उनमें एक संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर बोल सकते हैं, तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं, देखो संस्थाओं से बहुत प्रश्न आते हैं ना आपके, देखिए कितने सारे प्रश्न आ गए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर ही, और राष्ट्रीय विकास परिषद संवैधानिक संस्था की गैर संवैधानिक संस्था, इसको हमें देखना है, संविधान में कहीं प्रावधान नहीं लेकिन फिर भी हमें आपको राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना पड़ता है, और आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान को सपोर्ट करता है उनके आपके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, क्लियर। फिर क्षेत्रीय परिषद को पूछा गया था आपका, क्षेत्रीय परिषद से संबंधित प्रश्न आए हैं तो उनको देखेंगे हम लोग, कि जो भी और भी इस टाइप के जो आपकी क्या है संस्थाएं उनको भी पढ़ेंगे इस बार हम लोग, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद को पूछा गया, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है आपका, एक संवैधानिक संस्था है, और कई लोग को तो ये भी लगता है आपका गैर संविधान में, चलो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, ठीक है ना, और इसकी स्थापना कौन करता है, गठन कौन करता है इसका, क्लियर, इसको भी देखेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, आपका राष्ट्रीय विकास, ये सब संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे इस बार, इनको छोड़ना नहीं, क्लियर, मतलब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर देखेंगे दल बदल कानून से फिर प्रश्न है, और एक नहीं दो दो प्रश्न पूछ दिया गया इससे, इससे आपका थोड़ा सा करेंट से रिलेटेड था आपका ये, और करेंट से रिलेटेड होने के कारण हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दल बदल कानून देखो, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था, एक बार इनडायरेक्ट और कहीं पूछो, डायरेक्ट यहाँ पर फिर देखो दल बदल कानून जो अनुसूची
अनुसूची 10 है वहां से प्रश्न पूछा गया है, क्लियर है ना। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे क्या प्रॉब्लम, क्योंकि अभी फिर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लास्ट पिछले साल कर्नाटका को देखेंगे हम लोग, आपका महाराष्ट्र को देखेंगे, आपका आपका मध्य प्रदेश अभी आपका चल रहा है, आपका राजस्थान में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। तो वहां पर राज्यपाल आपका अध्यक्ष है, जो विधानसभा अध्यक्ष उनका, और आपके दल बदल कानून, जो दल बदल लेते हैं आपका, वो किस तरह से है, वो कानून क्यों लाया गया है, क्या उसका प्रावधान है, कितनी बार उसमें संशोधन हुआ है, और अभी वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है, पूरा देखेंगे उसको, क्लियर है ना। कब बना है, कब अनुसूची में डाले हैं, और फिर संशोधन को देखेंगे, क्लियर है। तो दल बदल कानून को अच्छे से हमको करने, मतलब यहां से थोड़ा प्रश्न बन ही रहे हैं, इस साल आया लेकिन फिर भी प्रश्न बन सकते हैं, इसको अलग तरीके से देखें। देखो फिर अनुच्छेद 3 से प्रश्न आया गया है, यहां पर राज्य पुनर्गठन को पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन से संबंधित फिर प्रश्न आए हैं आपके, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक छत्तीसगढ़ में पूछा गया था आपका और एक इनडायरेक्ट भी पूछा गया था आपका, और यहां से दो प्रश्न पूछे हैं ना आप किसी से, तो अनुच्छेद 3 से दो दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो राज्य पुनर्गठन से पूछा और दूसरा राज्य की सीमा परिवर्तन करने के लिए आपका किसकी अनुमति है, कौन इसका आपका विशेष, किसके पास इसका अधिकार है, वो प्रश्न, मतलब यहां से भी देखिए दो दो प्रश्न, अनुच्छेद 3 देखो दो तीन बार हम लोगों ने देख लिया होगा, तो अनुच्छेद 3 से प्रश्न आ रहे हैं। देखो संविधान संशोधन को पूछा, ये सरल प्रश्न था, क्रमांक पूछा गया था कि ये वाला संविधान संशोधन कौन सा है, मतलब ये वाला प्रावधान किस संविधान संशोधन, बहुत सरल प्रश्न था, मतलब संविधान संशोधन को पढ़ने हमको अच्छे से प्रश्न आ रहा है। पंचायत के जो प्रावधान होते हैं भाग 9 में, उनसे प्रश्न पूछा गया, थोड़ा जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया गया, तो पंचायत वाला भाग पढ़ेंगे, ये बहुत इजी प्रश्न था, ये भी आपसे क्लियर हो जाएगा, मतलब हमको पंचायत से पढ़ना है। देखो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अलग से पढ़ना है ना, लेकिन आपका संविधान से प्रश्न था इसलिए हमको यहां पर रखें। फिर देखो राज्यपाल की शक्तियां, फिर आ गया आपका राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना ही है, क्लियर है ना, ये छोड़ना ही नहीं है, मतलब ये टॉपिक किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। और फिर आपका भाग है, जो भाग 1, 2, 3, 4 पूरा 22 भाग तक है, तो उस भाग में जो जो विषय हैं उन विषयों से संबंधित जोड़ी, एक सरल प्रश्न है, हर बार पूछा ही जाता है, मतलब सामान्य तौर पर अगर देखें तो एक प्रश्न यहाँ उम्मीद रहता है कि किस भाग में कौन सा विषय है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, बहुत सामान्य प्रश्न है, तो इनको भी देखेंगे, अनुसूची को देखेंगे, कौन कौन सा सूची में क्या क्या प्रावधान है, तो सरल प्रश्नों को भी हम आपका एक अलग कैटेगराइज करके उसको हम आपका अलग से देखेंगे कि वहां से भी कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, वैसे नहीं छूटता है, बन ही जाता है, सामान्य बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरह अगर आप खुद एक बार क्या करेंगे, प्रश्न जितने भी हैं 2012 से 2018 वहां जाकर उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को पेंसिल से आपका क्या करेंगे, टिक कर करके उसको देखेंगे, और आपको समझना है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, पीएससी ने उसके आंसर किस तरह से लिया, क्लियर है ना, उसको भी आपको जानना है। और फिर आप क्या करेंगे, उसको आप एक फिर एक पेज में शीट बनाएंगे और देखेंगे कि अब हमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं तो बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, लेकिन आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं। अब आपको पूरा क्या बनाना है, एक रोड मैप बनाना है, और रोड मैप बना के आपको डिसाइड करना है कि मुझे किन किन टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कितने दिन में ख़त्म करना है। अब संविधान आप ऐसे नहीं कि एक महीना पढ़ ही रहे, संविधान आप कोशिश करें कि 10 से 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में इसको पढ़कर ख़त्म कीजिए, और ऐसा पढ़ना है कि यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर पाएं, आप कवर कर पाएं, तो बन जाएगा आप लोग से। तो सबसे पहले अगर आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्लियर, ताकि आपको हेल्प हो जाए, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो, क्लियर है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका आप लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को मैंने इसमें आपके स्किप कर दिया ना, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे, मतलब कहीं कहीं पे एक आध दो जगह जो सेम थे तो वहाँ पर मैंने उनको हटा दिया, लेकिन सामान्य आपके इस तरह से प्रश्न है। तो आप मुझे बताइए आप कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, संवैधानिक विकास से प्रश्न पूछा जा रहा है 2 बार है, एकदम सरल वाला 1773 पूछा है, 1 बार विवादित, अब भी उसके बाद पूछा ही नहीं गया संवैधानिक विकास से प्रश्न, तो यहाँ पर संवैधानिक विकास को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत टफ है, इतने सारे प्रावधान याद नहीं रहते, अभी आप पढ़ेंगे कुछ समय बाद आपका दिमाग से उतर जाता है, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट उसके प्रावधान है, जो फैक्ट हैं, उनको दिमाग में रखना है। दूसरा और कहाँ से, क्या संविधान सभा से कोई प्रश्न पूछा है अभी तक, 1 बार भी नहीं पूछा CGPSC, तो आपको संविधान सभा थोड़ा बहुत जानकारी रखना है, बहुत बेसिक, एकदम छोटी छोटी बातों को, एकदम डिटेल में नहीं चले आना है कि आपका भीमराव अम्बेडकर का आपका कहाँ चुना हुआ है, कौन से सीट से चुने गए थे, बहुत जो डिटेल होते हैं, कितने वाचन हुए, कितना दिन तक हुआ है, कौन कौन सी कमेटी बनी थी, कमेटी थोड़ा बहुत तो पता ही रहता, लेकिन एकदम डिटेल में नहीं जाना है संविधान सभा में, क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे संविधान निर्माण प्रोसेस, बहुत सरल तरीके शॉर्ट में उसको मैं पढ़ा दूंगा, ईजी है वो भी आपका। फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे अगला, फिर उसके बाद सीधा
सामान्य जानकारी विशेषताएं, तो संविधान की विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग, समाजवाद जो प्रस्तावना पार्ट जो वर्ड लिखे उनको तो पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली थोड़ा सा देखेंगे, वो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, फिर उसके बाद संवैधानिक संघात्मक एकात्मक को अच्छे से देखेंगे, लिखित संविधान को देखेंगे, संवैधानिक जो मूल ढांचा है उसको हम आपका थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, तो विशेषताओं से बढ़िया सा प्रश्न आ रहा है, क्लियर है। अभी आप इसी से देखकर अंदाजा लगाएंगे, फिर क्या प्रस्तावना से प्रश्न आ रहा है, देखो प्रस्तावना से एक बार आया विवादित प्रश्न है, बहुत ईजी प्रस्तावना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसी बार अच्छे से प्रश्न है, एक बार प्रस्तावना से जन्म कुंडली पूछा है तो प्रस्तावना थोड़ा सा पढ़ेंगे, इस बार आ गया तो अब ऐसा हो सकता है कि अगली बार ना आए, फिर भी प्रस्तावना थोड़ा देंगे। अब हम भाग में देखें तो राज्य वाला पार्ट पढ़ना है, क्योंकि फिर से अभी क्या हुआ है, अभी हम करंट में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था वो दो भाग में बैठ गया, वो क्या बन गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, एक बन गया लद्दाख, एक जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। और उसके बाद दादर एवं नागर हवेली और आपका दमन एवं दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, मतलब आपकी क्या होगी उनको सिंक कर दिया गया, और इसको हम आपका थोड़ा देखेंगे, क्लियर है ना। वहां मतलब राज्य वगैरह हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नागरिकता क्या पढ़ना है, चीज पर नागरिकता पढ़ना है, लेकिन एकदम डिटेल में फिर नहीं जाना है, पूछेगा प्रश्न तो सामान्य प्रश्न ही पूछेगा, क्लियर। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं उसको लिख कर आपको प्रॉपर बताता हूँ, क्लियर है ना, समझ आ रही चीजें आपको क्या करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना है ना। तो चलिए, तो हमें आपका क्या क्या चीजों को देखना है भाई, सबसे पहले फिर रिकॉल कर लेते हैं हम लोग आपका भाग में, तो राज्य को हमको पढ़ना ही अच्छे से, वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, बन ही रहे आपके हर साल, देख ही रहे आप लोग। फिर उसके बाद नागरिकता, तो नागरिकता में भी आपका क्या हुआ है, तो आपका एक कानून आया है आपका CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आपका विवादित रहा है पिछले वर्ष, आप सभी को पता होगा इसका कितना विरोध हो रहा है, अनुच्छेद 14 का आपका उल्लंघन की बात कर रहे हैं आपका, क्योंकि वहां पर समानता की बात होती है, फिर वहां पर फिर भी केंद्र सरकार कैसे कानून बना दिया है, तो ये सब चीजों को हम आपका देखेंगे, क्लियर है ना। अभी आपका कृषि से संबंधित आंदोलन हो रहा है, तो भूमि सुधार कानून ये भी पूछा जा सकता है, बढ़िया सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, कृषि अभी जो विवाद हो रहा है ना, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो कृषि कौन सी सूची का विषय है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्लियर है ना। ये बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है, कि संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है, तो इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें कौन कौन से एरिया को पढ़ना है। तो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके पीछे मैं स्टार लगा रहा हूँ, 5 स्टार, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक देंगे उसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 5 स्टार, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट उसको 1 स्टार में हम आपका समाप्त करेंगे, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत पता हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आपका संवैधानिक विकास, तो बताइए संवैधानिक विकास से कितना प्रश्न है, 2 ही प्रश्न है, तो क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है क्या इसको, कि 4-5 दिन इसी को पढ़ ले, नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम आपका कितना स्टार देते हैं आपका, केवल 1 स्टार, क्लियर है, स्टार अच्छे से बन नहीं रहा, आप ही लोग अच्छे से बना ले रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत बचा उसको हम आपका देखें, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बचा उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा, क्या हमें संविधान सभा पढ़ना चाहिए, नहीं, संविधान निर्माण पढ़ना चाहिए कि नहीं, कभी नहीं पूछ रहे CGPSC, शायद उसका एरिया जा ही नहीं रहा वहाँ तक, ठीक है ना, जो भी पेपर चेक सेट कर रहे हैं उनको वहाँ से उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लग रही है, और CGPSC के अकॉर्डिंग पूछ भी नहीं रहा, UPSC भी बहुत रेयर आता है, आया ही नहीं मेरे ख्याल से, बहुत पहले अगर पूछा रहा होगा तो वहाँ से भी नहीं आ रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग समथिंग लग रहा है इसको आपका पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर हम आपका क्या पढ़ेंगे, आपका जो सामान्य परिचय है उनको देखेंगे, सामान्य परिचय का मतलब क्या है, संविधान से संबंधित सामान्य बातें आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए आपका, तो इसमें हमें पता होना चाहिए भाग, कौन कौन से भाग हैं, क्लियर है ना, भाग एक और उसके पूरे विषय को देखना है, कौन से नए भाग जुड़े हैं, कौन से संशोधन से जुड़े हैं, वो पता होना चाहिए। दूसरा, हमें आपके यहाँ पर क्या देखना है, भाग के साथ अनुच्छेद, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को भी हम आपका क्या करेंगे, आपके इसमें पढ़ेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, हालांकि भले उसको हम आप अंदर डिटेल जाकर नहीं देंगे, जैसे 370 अनुच्छेद को पूछ दिया है, 311 अनुच्छेद को पूछ दिया, 326 अनुच्छेद को पूछ दिया गया है, तो थोड़ा अनुच्छेदों को हम आपका देखें, जो इंपॉर्टेंट है उसको अलग से देख लेंगे, बाकी तो पूरा पढ़ना ही हमको अनुच्छेद को, क्लियर है ना। तो अनुच्छेद, फिर हम आपका क्या देखेंगे, अनुसूची, तो अनुसूची से प्रश्न बनते हैं, पूरा अनुसूची 1 से लेकर 12 एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी अनुसूची हमारा तो उसको हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल से। फिर उसके बाद हमारा जो संविधान बना है तो उसके स्रोत जो हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से डिटेल करना है, इसको कराऊंगा मैं पूरा अच्छे डिटेल,
ज़्यादा नहीं, बहुत दो चार इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन और अमेरिका दो चार देश हैं उनसे संबंधित, और 1935 का जो एक्ट है वहाँ से हमने कौन कौन से प्रावधान को लिया उसको भी देखेंगे, क्लियर। और फिर एक आ जाता है आपका संविधान की विशेषताएँ, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएँ, तो इसको हम आपका देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसमें आपका संसदीय शासन प्रणाली बोल सकते हैं, इसमें आपका संघात्मक एकात्मक देख सकते हैं हम, इसमें आपका लिखित संविधान में पढ़ेंगे, कठोर संविधान क्या होता है इसको पढ़ेंगे, आपका संविधान मूल ढांचा क्या है संविधान का उसको देखेंगे, जो हमारे संविधान की प्रकृति है, ठीक है ना, बहुत कठोर है कि बहुत आपका क्या है आपका शिथिल है उसको देखेंगे, तो इनको देखेंगे। तो यहाँ से अगर प्रश्न देखा जाए तो यहाँ से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा इसको, वो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, क्लियर है। भाग सिंपल भाग में देखा जाए तो इतना आपको देखना है, क्लियर है। फिर तीसरा हम आपका देखेंगे कहाँ से और प्रश्न बनते हैं, अब हम आपका देखेंगे भाग एक, और भाग एक में किसके बारे में लिखा है, राज्य के बारे में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4, यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं तो इसको भी हमें आपका छोड़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना है, ठीक। अगला हम आपका देखेंगे नागरिकता, कितनी बार पूछा है नागरिकता, 2 बार ही पूछा, और दोनों बार बहुत ही क्या पूछ प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, तो 1 स्टार दे सकते हैं, लेकिन अभी CAA कानून आया है तो लग रहा है कि थोड़ा से पूछने के चांसेस है, लेकिन फिर भी देखना बहुत टफ प्रश्न नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो चीज़ विवादित रहती है PSC का ध्यान उस पर कभी नहीं जाता, बहुत रेयर पूछा, एकदम विवादित है तो पूछता ही नहीं कई बार, ठीक है ना, तो रेयर वाला मतलब जो विवादित है बहुत ज़्यादा तो उसको पूछने का आपका औचित्य बनता भी नहीं, फिर भी अगर सामान्य प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, इसलिए हम आपका नागरिकता को 2 स्टार हम आपका दे रहे हैं, क्लियर है। फिर आप देखेंगे आप लोग पांचवा हम आपका देखेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से हर साल प्रश्न आते ही हैं और हर बार चांस रहता ही, मौलिक अधिकार बहुत बड़ा एरिया है, उसको कई हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, संसद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपका कानूनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपका वहाँ पर जो अलग अलग अधिकार बांटे उनके हिसाब से अलग देखेंगे, बहुत आपका इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, और इसलिए फंडामेंटल राइट को पढ़ना है बहुत अच्छे से, और ये आपका 5 स्टार है, इसको छोड़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है ना, थोड़ा कहीं भी कभी कन्फ्यूज़ कर देता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे तो उसमें थोड़ा आपका कन्फ्यूज़न भी रहता है। अब फंडामेंटल राइट के बाद अब बताओ मुझे DPSP प्रश्न पूछा है क्या, संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो एक भी प्रश्न CGPSC ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल को हम आपका देख लेंगे, डायरेक्ट आर्टिकल को पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको हम आपका पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़कर हम उसको निकलेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम आपका देखेंगे आपका फंडामेंटल, आपका ड्यूटीज से कोई प्रश्न है क्या, प्रश्न बनने के चांस रहते हैं यहाँ से, इसको पढ़ना है बहुत ईजी है, 5 मिनट में हो जाता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को हमको पढ़ना है। अब हमारा आ जाता है अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको दिमाग में रखना है, क्या पढ़ना है, अब हम आपको प्रशासन से संबंधित बातों को पढ़ना है, और प्रशासन संबंधित में जो कार्यपालिका होती है किसको पढ़ना है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स, जो आपके कानूनों को योजनाओं को लागू करता है जमीनी स्तर पर, और इसमें कौन कौन से अधिकारीगण होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स में यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए राष्ट्रपति को पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, जितना मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, प्रश्न हर साल आ ही जाता है घुमा फिरा के, ठीक। उपराष्ट्रपति से कोई खास प्रश्न नहीं आता लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। फिर हम इसमें आपका क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को भी हम आपका इसमें देखेंगे कुछ बातें, हालांकि संसद से संबंधित है, फिर भी हम आपके इसमें प्रधानमंत्री को थोड़ा सा देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधित होता है बहुत कुछ, और इनके जो शक्तियां हैं और जो भी पावर्स हैं संसद के साथ या फिर सामान्य रूप से उनको हम आपका देखेंगे, तो इसमें हम आपका एक और चीज़ को जोड़ सकते हैं, मंत्रिपरिषद को, तो मंत्रिपरिषद को भी हम आपका जोड़ सकते हैं, और इसको यदि पूछा जाए तो ये भी आपका 5 स्टार, इसको हमें आपका छोड़ना ही नहीं है, कार्यपालिका से सबसे ज़्यादा प्रश्न है, इसमें अगर मैं साथ साथ जोड़ूं तो देखिए दोनों चीज़ को एक साथ पढ़ेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को एक साथ पढ़ेंगे, और दोनों जगह मंत्रिपरिषद तो एक साथ, आप 5 स्टार से ज़्यादा 6 स्टार भी दे सकते हैं ना इसको, अगर एक और देना हो तो मैं एक और दे दूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, छोड़ना ही नहीं है इनको, पढ़ना कार्यपालिका को, फंडामेंटल राइट को देखना ही है। फिर अगला हम आपका देखेंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और फिर अगला प्रश्न हम आपका देखें तो आपका संसद, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संसद हर साल प्रश्न है ही यहाँ से, आपको इसको मिस करना ही नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस होकर संसद को पढ़ना है, संसद के पूरे प्रावधानों को देखना है, उनकी कार्यवाही को देखना है,
बजट को देखना है, जो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर बहुत सारी समितियां होती हैं उनको देखना है, अस्थाई स्थाई समितियां होती हैं, समितियों के साथ हमें इसमें आपका विधेयक को देखना है, प्रस्ताव को देखना है, विभिन्न प्रकार के विधेयक विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हो उनको बहुत अच्छे से हमें दिमाग में रखना है। और इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो संसद में देखो लोकसभा है, राज्यसभा, इसमें विधानसभा को मैं रख रहा हूँ ना, विधायिका कर लेते हैं इसको, संसद की जगह विधायिका लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विधायिका दोनों जगह के लिए हो जाएगा ना, तो विधायिका, तो विधायिका में देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम संसद कर ले रहे हैं क्योंकि एक ही मतलब है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, फिर आप इसमें क्या देखेंगे आपका लोकसभा अध्यक्ष, इनको देखना है हमें आपका, फिर इसी में क्या देखेंगे विधेयक को देखेंगे, हालांकि राष्ट्रपति भी विधेयक पढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे, प्रस्ताव को देखेंगे कौन सा प्रस्ताव होता है और उनकी क्या है आपका कार्य प्रणाली या प्रक्रिया बोल सकते हैं, तो कार्य प्रणाली प्रक्रिया इन सब को हम आपका देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि इसको देखा जाए तो ये तो 5 स्टार से भी ज़्यादा है, मतलब 5 स्टार इसको भी मिलेगा, एक यहाँ पर स्टार और लगा दे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है विधायिका, सबसे ज़्यादा आप उठा कर देखिए कोई भी पेपर उठाइए, एक ना एक प्रश्न विधायिका से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा ही, इसको पढ़ना है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, टफ प्रश्न भी आता है ईजी प्रश्न भी आएगा, तो बन जाएगा विधायिका से, क्लियर है। विधायिका के बाद हम आपका देखेंगे न्यायपालिका, एक बार ही प्रश्न पूछा, एक या दो बार नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर प्रश्न, न्यायपालिका से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक भी है, 2 स्टार में हम इसको सिमटा सकते हैं, कोई अगर बहुत ज़्यादा नहीं, अब सामान्य बातें जानकारी रखेंगे उससे प्रश्न बनना हुआ बन जाएगा, एकदम ही डिटेल अगर पूछ दिया है तो उसको आपको क्या करना है स्किप कर देना है, छोड़ देना है, छोड़ना नहीं मतलब बन ही जाएगा, हम पढ़ेंगे ना उसको, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को तो वो चीज़ें तो आपसे बनी जाएंगी। फिर उसके बाद देखेंगे आपका अगला हमारा क्या टॉपिक हो सकता है न्यायपालिका के बाद हमारा आपका संवैधानिक संस्थाएँ, तो संवैधानिक संस्थाओं में हम आपका कौन से हैं, तो संवैधानिक संस्थाएँ, तो संवैधानिक संस्थाओं को हम आपका देखेंगे कौन कौन से संस्था हैं, तो एक होता है आपका पीएससी, तो यूपीएससी वाला जो पार्ट है तो यूपीएससी से प्रश्न आए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन आता ही है, चुनाव आयोग से बहुत प्रश्न बनते हैं, इनको हमें छोड़ना नहीं है यहाँ से, क्लियर है ना, ठीक है, चुनाव आयोग हो गया, फिर आपके क्या होंगे आपका एसटी एससी ओबीसी आयोग अभी जो बना है इनको हम आपका देखेंगे, इन आयोग को पढ़ेंगे, फिर आपका फिनेंस कमीशन, क्लियर है ना, फिर आपका नदी जल बोर्ड विवाद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्लियर, इनको देखेंगे हम आपका जो भी संस्था है, तो संवैधानिक संस्थाओं से प्रश्न आजकल पूछे ही जा रहे हैं, तो संवैधानिक संस्था है तो मतलब यहाँ पर इनको 3 स्टार लगा कर देखना है, 3 से 4 स्टार भी दे सकते हैं, प्रश्न आ ही जा रहे हैं, इस बार बहुत प्रश्न है ना, तो संवैधानिक संस्थाओं को बहुत अच्छे से हम आपका देंगे, संवैधानिक और गैर संवैधानिक को भी देखेंगे, क्लियर है, तो संवैधानिक संस्थाओं से प्रश्न है। फिर अगर हम आपका देखें और कहां से आपातकाल से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपातकाल से भी प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको 2 स्टार हम दे सकते हैं, प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आजकल अब थोड़ा आपातकाल को नहीं पूछा जा रहा है, बीच में बहुत मुद्दा उठता रहता है आपातकाल का, या कहीं राष्ट्रपति शासन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर हम आपका देखेंगे, थोड़ा सा आपातकाल पढ़ना ही पड़ेगा, प्रश्न बनते ही, क्लियर है। तो बेसिकली आप 10 टॉपिक को देख सकते हैं, क्लियर है ना, तो 10 टॉपिक में आपको दिमाग में रखना है, और कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपका, तो अदर आपके कहीं कहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो संबंधी आप बेसिकली हम आपका देखें तो केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध से उतना कोई खास प्रश्न नहीं बन रहा है, न विधायी संबंध पूछा जा रहा है, न प्रशासनिक संबंध पूछा जा रहा है, न वित्तीय संबंध, एकाध फिनेंस कमेटी है उनको देख सकते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पर हम आपका देखें, जीएसटी अभी जो पूछा गया था तो जीएसटी को थोड़ा इकोनॉमी में हमको पढ़ना ही है तो उतना हम आपका नहीं देखेंगे, आयोग वगैरह से यूपीएससी, यूपीएससी जो आपका लोक सेवा आयोग है और निर्वाचन आयोग, यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही, उसके साथ साथ आपका जो एसटीएससी ओबीसी आयोग जो आपका भाग आपका कौन सा है 16, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना भाग 16, उसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि उसमें आपका बहुत आरक्षण की बात है, आपका लोकसभा में आरक्षण है, आपका विधानसभा में आरक्षण है, उनको जो नौकरियों में जो आरक्षण की बात कही गई है उनके बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद आरक्षण की अवधि कितनी है अभी, फिर हम आपका क्या किए उसको आपका 10 वर्ष बढ़ाए फिर उसको, उस पर बात है, फिर आयोग बने अभी आपका ओबीसी आयोग, एक नया आपका संविधान संशोधन हुआ उसमें आपका, तो उसको भी हम आपका देखेंगे, तो ठीक उसको पढ़ने आपातकाल हो गया, बाकी जो अन्य है जो छोटी मोटी जानकारी है जो डायरेक्ट पूछा जाता है तो अन्य हम आपका देख लेंगे जो भी आपका पूछा जा रहा है। अन्य में हम आपका क्या क्या देखेंगे तो गैर संवैधानिक संस्थाओं को हम अलग से पढ़ेंगे, तो गैर संवैधानिक संस्थाओं, तो ये आपका जैसे क्या पूछा था लास्ट ईयर, जैसे नीति आयोग से प्रश्न बन ही जाता है, ठीक है ना, नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग के साथ हम आपका देखेंगे आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया,
क्लियर, क्षेत्रीय परिषद हो गया है, मानवाधिकार आयोग हो गया है, सूचना आयोग हो गया है आपका, क्लियर है ना। दबाव समूह हम आपके इसमें देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। राजनीतिक दल होते हैं यहाँ पर, तो राजनीतिक दल को हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक दल, कुछ पूछ दिया जाता है जर्नली, या फिर चुनाव चिन्ह कई बार ऐसा पूछा जाता है, क्लियर है। तो इनको हम आपका देखेंगे, फिर हमें देखेंगे कि असंवैधानिक तत्व या संविधान में जो आपकी मूल भावना के संबंध में कौन कौन बाधा डालते हैं, कैसे कैसे तत्व। तो प्रश्न डायरेक्ट तो छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं है, लेकिन देख लेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का काम है, वो बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इतना पढ़ना है, क्लियर है, बन जाएगा। तो संवैधानिक विकास में बहुत ज़्यादा सिर को नहीं दे देना अपने आपको, ठीक है ना। जितना बनेगा उतना पढ़ेंगे, आधा पढ़ा चुका हूँ, उसको आधा कंप्लीट कर दूंगा अभी मैं। सामान्य परिचय को पढ़ना है, इसको आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे बन ही जाएगा, लेकिन संविधान की विशेषताओं को हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। भाग एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नागरिकता अभी थोड़ा सा CAA कारण आपका लग रहा है कि कुछ जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा खास प्रश्न बनेगा, क्लियर। सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है, कितनी बार संशोधन हुआ है इसके अधीन, इसके अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं ना, तो आपका राष्ट्रीय नागरिक अधिनियम, ठीक है ना, तो आपका राष्ट्रीय नागरिक अधिनियम में जो 12 बार हमने संशोधन किया, संशोधन में भी पूछ सकता है थोड़ा बहुत प्रावधान, कैसे नागरिकता लिया जाती है, कैसे समाप्त। फंडामेंटल राइट पढ़ना ही है, क्लियर है, यहाँ से कोई भी प्रश्न, सब टाइप के 5 से 6 पार्टें बैठे ना, उसको हम अलग से बताऊंगा, अलग अलग अधिकार। फंडामेंटल ड्यूटी याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। कार्यपालिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और विधायिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको न्यायपालिका कोई खास ध्यान नहीं रखना है, संवैधानिक संस्थाओं को हम अलग से पढ़ेंगे, क्या क्या काम है इनके। आपातकाल, कुछ आपके पदाधिकारी होते हैं, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैं संसद में पढ़ाऊंगा। CAG है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा ना CAG से अभी तक। 1-2 प्रश्न है कि CAG अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कहाँ सौंपेगा, संसद में सौंपेगा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को देगा, संसद कहाँ सौंपती है, तो संसद किसको सौंपेगी, आपका लोक लेखा समिति को, फिर लोक लेखा समिति उसको आपका कहाँ से, तो ये प्रोसेस चलता है, तो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बाकी CAG से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। एक आध प्रश्न में भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में कौन है, सबसे पहले कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, ऐसे प्रश्न भले आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आपको समझ आ गया आपको कहाँ से पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना है, और इसी से आपको पढ़ कर क्या करना है, आपको कवर करना है, क्लियर। अब आप बोलेंगे चलिए ठीक, इतना पढ़े, तैयारी कैसे करना है, अब देखिए तैयारी आपको ऐसा नहीं कि आप बुक उठा के इसको पढ़ने बैठ गए, पढ़े, बुक उठाकर आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि कैसा पढ़ना है इसको हमें क्या करेंगे, आपका MCQs लगाएंगे, क्योंकि वन डे एग्जाम दे रहे हैं ना आप लोग, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, MCQs लगाना है आपको पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कहाँ मिलेगा, तो देखो एक बुक आती है जो मार्केट में मिलता है, घटना चक्र, तो घटना चक्र को ले आना है, खरीदना आपको, और ये जो टॉपिक जितना बताया हूँ उस टॉपिक को पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पहले तो PSC के ही सभी क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र को पढ़ना है, और घटना चक्र से क्या करेंगे, पूरा आप जितना भी प्रश्न बने से संबंधित उनको पहले पढ़ें, उनके आंसर को देखें, क्लियर। इसके साथ साथ PSC के जो आपके अदर एग्जाम हुए हैं, अदर मतलब आपके जो भी, जैसे सिविल जज का एग्जाम हो रहा है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो रहा है, ACF का एग्जाम हुआ है, तो उनमें भी संविधान से कैसे कैसे प्रश्न है उनको भी आपको पढ़ना है। जब पहले पूरा पढ़ लेंगे तब आपको एक क्या मिल जाएगा, एक विजन मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक व्यू मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको पढ़ना है कैसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के बुक उठाएंगे और बुक से क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से रीड करेंगे, उसके बाद रीड करना है, पहले ही रीड नहीं कर लेना है, पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है, पूछे कैसे जा रहे हैं प्रश्न, तब आपको समझ आएगा अच्छा इस टाइप का प्रश्न आता है, अच्छा इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न तो मैं आसानी सॉल्व कर जाऊंगा, इस प्रश्न में फंस रहा हूं, तो जहां कॉन्सेप्ट के प्रश्न होंगे जहां थोड़ा घुमा रहे, फिर आप उठाएंगे बुक, और बुक उठा के आपको आप पढ़ना शुरू करना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक को आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, एक बार मैं बोल रहा हूँ खुद बनाएंगे आप लोग, उसको बनाने के बाद कैटेगराइज करेंगे, और फिर इसी तरह से उसको क्या करेंगे, समाप्त करना है, समाप्त करने के बाद आपको MCQ लगाकर इसको क्या करना है, सॉल्व। तो चलिए फिर यहाँ तक आप ऐसे संविधान को पढ़िए, बाकी मैं क्लास आपका लूंगा, जो आगे हमारे बच्चे उस क्लास को हम आपका बहुत जल्दी आपका कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।